सखी, आज हम जानते हैं गर्भपात के कारण और लक्षण। जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो वह समय उस महिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील होता है। इस दौरान गर्भवती महिला को अपना पूरा ध्यान रखना होता है, क्योंकि पहले 3 महीने में गर्भपात होने का डर अधिक होता है। कई बार तो पूरी सावधानियों के बाद भी गर्भपात की समस्या का सामना करना पड़ता है। गर्भधारण के बाद छोटी से छोटी गलती बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है, जैसे कि गलत भोजन का सेवन करना, कोई गलत दवाइयों का रिएक्शन या फिर शारीरिक स्वास्थ्य ठीक न होना इत्यादि से। गर्भपात होने के लक्षण। गर्भपात गर्भावस्था के दौरान प्रसव से पहले कुछ लक्षणों के माध्यम से गर्भपात होने के संकेत मिलते हैं, जो आपको गर्भपात जैसे खतरे के बारे में सूचित करते हैं। गर्भपात के प्रकार होते हैं मिश्र गर्भपात। इसमें गर्भावस्था स्वयं समाप्त हो जाती है। इस दौरान न कोई रक्तस्राव होता है और ना ही किसी तरह के लक्षण दिखाई देती है। कुछ मामलों में तो गर्भपात होने के बाद भी भ्रूण गर्भ में ही रहता है, और इसका तब पता चलता है जब गर्भ में भ्रूण का विकास रुक जाता है। इसका पता अल्ट्रासाउंड से किया जाता है। अधूरा गर्भपात। इससे महिला को भारी रक्तस्राव और पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द होता है। भ्रूण का कुछ ही भाग बाहर आ पाता है। यही कारण है इसे अधूरा गर्भपात कहा जाता है। इसका निदान अल्ट्रासाउंड से होता है। पूर्ण गर्भपात। पेट में तेज दर्द होना और भारी रक्तस्राव होना पूर्ण गर्भपात के संकेत हो सकते हैं। इसमें गर्भाशय से भ्रूण की पूरी तरह से बाहर आ जाता है। अपरियाय गर्भपात। इसमें रक्तस्राव होता है और गर्भाशय ग्रीवा खुल जाती है, जिससे भ्रूण बाहर आ जाता है। इस दौरान महिला को पेट में लगातार ऐंठन हो रहती है। सेप्टिक गर्भपात। गर्भ में संक्रमण होने से गर्भपात होता है। गर्भपात संकेत और लक्षण ऐसे हैं, जैसे कि गर्भपात के सबसे आम लक्षण है पेट में ऐंठन यानी योनि से रक्तस्राव होना। अगर गर्भावस्था के दौरान कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। गर्भपात होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कई बार माँ का शरीर भ्रूणों को विकसित करने में असमर्थ रहता है, जो गर्भपात का कारण बनता है। महिलाओं को बच्चेदानी में कोई कमी होने के कारण या माँ को कोई रोग जैसे मधुमेह, थायराइड या किडनी रोग की गर्भपात भी कारण बन सकता है। शुरुआती गर्भपात में संक्रमण जैसे रूबेला, लिस्टेरिया या क्लेमाइडिया के गर्भपात भी कारण हो सकता है। महिला की आयु पर गर्भपात निर्भर करता है। यदि महिला की उम्र 35 साल या उससे अधिक होती है तो गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है। धूम्रपान, शराब या नशीली दवाइयों इत्यादि का ज़्यादा उपयोग करने से भी गर्भपात हो सकता है। गर्भपात के दौरान ज़्यादा कैफीन का भी उपयोग बहुत नुकसानकारक होता है और गर्भपात का कारण बन सकता है। महिलाओं को अपने स्वस्थ खान पान पर ध्यान देना चाहिए। अगर इसमें कोई गलती हो तो वो भी गर्भपात का कारण हो सकता है। गर्भावस्था के पहले 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार प्रारंभिक गर्भपात के कारण पता नहीं चलते, और गर्भावस्था के पहले 13 सप्ताह के दौरान गर्भपात सबसे आम है। गर्भपात का सही समय पर निदान किया जा सकेगा तो संक्रमण जैसी समस्या से बचा जा सकता है। ऐसा न होने से महिलाओं को खतरा हो सकता है। प्लेविक जांच। इसमें डॉक्टर ग्रीवा के फैलाव की जांच करेंगे। अल्ट्रासाउंड के दौरान डॉक्टर भ्रूण के दिल की धड़कन की जांच करेंगे। इससे पता लगेगा कि भ्रूण सामान्य रूप से विकसित हो रहा है या नहीं। ब्लड टेस्ट के दौरान डॉक्टर आपके रक्त का नमूना लेकर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाड्रोपिन HCG के द्वारा पहले स्तर से कर सकते हैं। अगर इसमें कोई बदलाव हुआ तो वह समस्या संकेत हो सकता है। इसके अलावा NEMA की भी जाँच की जा सकती है। टिश्यू टेस्ट से ग्रीवा से टिश्यू टेस्ट भी किया जा सकता है। ऐसा करने से गर्भपात का पता लगाने के लिए जांच की जा सकती है। तो सखी, आज हमने जाना गर्भपात के कारण और लक्षण। हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपकी गर्भावस्था की अवस्था और परिस्थिति को जांचने में मदद करेंगी। सखी, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें जरूर पूछिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारी वेबसाइट www.garbhasanskar.in से भी आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकती है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।